तो सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स और फैमिली फ्रेंड्स को धन्यवाद बोलती हूँ जो इतना सपोर्ट और प्यार दिए हमें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं बोलते हैं ना कि हर यूट्यूबर का एक ड्रीम होता है, तो वो मेरा पूरा हुआ, तो मैं बोले चलिए शेयर करती हूँ आप लोग को। थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बता देती हूँ कि मेरी फर्स्ट सैलरी कब बनी, कैसे बनी और कब आई। तो चलिए थोड़ा शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो जब हम यूट्यूब पे आते हैं फ्रेंड्स, तब उस टाइम तो उतनी जानकारी नहीं होती है कि क्या है नहीं है, बस आ जाते हैं। तो जैसे जैसे जानकारी मिली मैं भी आगे बढ़ती चली गई, और ये मेरा जो एक था कि चैनल को कब मोनेटाइज करना है, कैसे कब तक डॉलर पूरा करना है, वो मैं की। पर फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि ये कोई वायरल नहीं है, और मैं बिल्कुल बहुत ही स्ट्रगल की हूँ, यानी बहुत मेहनत की हूँ YT पे, तब जाकर के मेरी फर्स्ट सैलरी आई है। और इस पैसे को आने में फ्रेंड्स पूरे एक साल लग गए, एक साल प्लस ही लग गया है, क्योंकि मेरा मोनेटाइज हुआ था सितंबर में और जाकर के डॉलर कंप्लीट हुआ नवंबर में। मगर चलो कोई बात नहीं, हुआ तो सही। तो जैसे कि सब लोग बहुत सैलरी आते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी मेहनत का होता है। तो मेहनत का तो है, बहुत ज्यादा मेहनत का, रात दिन मेहनत की, तब जाकर के मतलब पहली सैलरी आई है। तो पहली सैलरी जब $100 कंप्लीट होता है तो उसके बाद आ जाता है। पर मेरा कब आया था और इतना दिनों के बाद मैं क्यों आप लोग को बता रही हूँ, तो एक्चुअल में फ्रेंड्स मेरा नवंबर में ही वो फर्स्ट जो सैलरी होता है ना, वो $100 कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मेरी बेटी का जब बर्थडे आएगा उस टाइम तक मैं अपना डॉलर कम्प्लीट कर लूंगी। पर डॉलर कम्प्लीट कर ली, मगर फिर भी क्या हुआ कि मैं काफी बिजी चल रही थी, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, शादी, घर में फंक्शन, तो मैं अकाउंट नंबर नहीं डाली थी अपने YT पे। तो जाकर के फिर उसमें जब तक अकाउंट नंबर डालेंगे नहीं तो पेमेंट आएगा कहाँ से, चाहे डॉलर कितना भी बन जाए। उसके बाद फिर मैं उसमें अकाउंट नंबर डाली और मैं मेल का वेट कर रही थी, पर मेल नहीं आता। जब आपका $100 कंप्लीट हो जाए तो फिर आप अपने अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड वगैरह मांगते वो डालना होता है। तो ऐसे करते करते मतलब काफी मैं डिले हो गया मेरी तरफ से, जैसे लगा कि चलो ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, पेमेंट आ गया है तो आ ही जाएगा, कभी भी आ जाएगा, जब अकाउंट में डाल दूंगी आ जाएगा, पैसे कहीं तो जाएंगे नहीं। तो नवंबर में मेरा कंप्लीट हुआ, नवंबर लास्ट में। उसके बाद हमारा फरवरी में मैं डाली अकाउंट वगैरह, उसमें डाली IFSC कोड डाली, तो 6 फरवरी को मैं डाली थी। और उसके बाद 20 से 25 तक का जो बीच का होता है जिसमें पेमेंट सबकी आती है, तो मेरा भी वैसे आ गया था, मगर फिर भी मुझे ना, मैं अकाउंट नंबर डाल करके और थोड़ा बोलते हैं कि जो मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है कि कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो मैं ध्यान नहीं दिया और भूल गई। जैसे होता ना कि ठीक है आ जाएगा, मतलब इस तरह से चलता रहा। उसके बाद मैं मार्च में, यानी कि होली के पहले, मैं बोली चलिए एक बार देख लेते हैं अकाउंट में आ ही गया होगा। तो जब अकाउंट में देखी तो उसमें पता तो चल ही जाता है कि पेमेंट आया है, तब मुझे पता चला कि हमारी फर्स्ट सैलरी आ गई है। तो पहले तो कुछ देर तक ना मुझे सोचना पड़ा मेरी फर्स्ट सैलरी है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेरा अपना खुद का पर्सनल कभी ये नहीं था कि हमारा कहीं से मैं कुछ वर्क की हूँ और पैसे लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, तो कभी ऐसा नहीं था, फर्स्ट था। तो मुझे कुछ देर तक ऐसे मतलब लगा, मैं बोली कि अच्छा मेरा है, तो फिर मैं बच्चों को बताई और हस्बैंड ही चेक किए थे तो हस्बैंड को तो पता चल ही गया। फिर मैं सबसे पहले बच्चों को बताई, फिर अपने जो ग्रुप फ्रेंड्स है उनको बताई, तो कांग्रेचुलेशन सब लोग बोले। उसके बाद तो इस तरह से फिर मुझे फील हुआ, मतलब थोड़ा अजीब सा, ये मेरा है। तो फिर मैं बहुत डीप में गई, तो मैं वो दिन को याद की कि मैं कितने मेहनत की थी फ्रेंड्स। मगर हाँ, ये कि एक टारगेट था वो मैं पूरा की। जैसे पहले कुछ पता नहीं था कि YouTube पे क्या है, तो मेरे बच्चे ही YouTube पे मुझे लाए थे, तो मेरा मन नहीं था, मैं बोली अरे मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे मतलब थोड़ा मैं इग्नोर की थी, नहीं तो वो बोलते ना 5-6 साल पहले से बच्चे बोल रहे थे, मगर मैं इग्नोर करती गई। लास्ट में फिर बोले कि मम्मी कर तो लो, तो फिर मेरी बेटी ही चैनल बनाई। उसके बाद फर्स्ट रेसिपी मैं डाली थी मक्के की बर्फी, मुझे याद है फर्स्ट रेसिपी मक्के की बर्फी, वो भी 12 बजे रात में। तो मेरा चैनल ऐसे बस चल रहा था, मुझे पता नहीं था, ठीक है
हो जाएगा, मतलब माइंड में ऐसा नहीं था कि इसमें भी मुझे कुछ आगे करना है क्या है, बस अपना बोलते ना शौक था वो पूरा कर रही थी। उसके बाद बीच में और मतलब सारे फ्रेंड मिले, मगर उसमें से एक रिद्धि मिली, बोली दीदी अपना चैनल को मोनेटाइज करवाओ, कैसे क्या होता है। फिर वो बताती गई और काफी हेल्प की तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। फिर था कि पिन $10 पे पिन आता है, तो पिन कैसे आएगा क्योंकि हमारे वीडियो वायरल नहीं थे फ्रेंड्स, और उस टाइम मैं बहुत ही लाइटली ले रही थी, चलो ठीक है। मगर जैसे जैसे कदम आगे चलता गया, जानकारियां होती गई, फिर इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और एक जुनून जैसा भी था। तो जब $10 कंप्लीट करना होता है तो मुझे उसमें ना $9 कंप्लीट हो गया था, 1 month में ही मुझे करना था, क्योंकि हर चीज मुझे लगा कि क्यों डिले करना, जब हो ही रहा है तो जल्दी जल्दी कर लो। तो 1 month में मेरा पिन आ गया, पर पिन आने के लिए भी मेरे जितने भी फैमिली फ्रेंड्स जितने भी लोग थे वो लोग काफी सपोर्ट किए, क्योंकि जब मेरा $9 कंप्लीट हो गया था, मेरा 1 month में सिर्फ फ्रेंड्स 2 दिन ही बचा था, मैं बोली नहीं होगा अब $10 कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, पर जैसे दीदी लोग है, जैसे मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड बोले कि कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। तो जैसे मैं बताती गई तो वो लोग ने इतना शेयर किया मेरी वीडियो, कितना शेयर किया मेरा मोनेटाइजेशन वाली वीडियो को, उस पे जाकर के मेरा डॉलर कंप्लीट हुआ। और मेरा $10 जब कंप्लीट हुआ, फिर पिन के लिए अप्लाई किए, पिन आ गया, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू चलता रहा, चलो ठीक है $100 कंप्लीट हो जाएगा फिर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जर्नी रही और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो बोलते हैं ना कि और शेयर की हूँ फ्रेंड्स, और अंदर से खुशी भी हो रही है कि ये मेरा पैसा है, पर मेरा पैसा मैं अभी आप लोगों को दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन आया, ऑनलाइन खर्च हो गया, कहाँ कहाँ मैं खर्च की और अपने लिए क्या की फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों। तो फ्रेंड्स जो पेमेंट आया था तो मैं पहले ही बच्चों को बोली थी कि चैनल तुम लोग बनाई हो, तुम लोग का है, तो इसका जो भी पहला जो सैलरी आएगा मैं तुम दोनों में 50-50 बांट दूंगी। तो जैसे ही मेरी सैलरी आई उसी दिन मैं दोनों बच्चों के अकाउंट में डाली, दोनों को बराबर बराबर अकाउंट में डाल दी। उसके बाद हस्बैंड को कोई गिफ्ट का या किसी चीज का शौक नहीं है, तो मैं बोली चलो इनको ना एक छोटी सी पार्टी दे देती हूँ, तो थोड़ा हम दोनों फूडी हैं तो फूड ज्यादा इंजॉय करते हैं, जैसा कि आप लोग को मेरे ब्लॉग में पता चलता होगा। फिर हम लोग मतलब मैं इनको छोटी सी पार्टी दी, बड़ी पार्टी नहीं क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, तो छोटी सी पार्टी दी अपने हस्बैंड को। और मैं अपने लिए क्या ली फ्रेंड्स, जो अपने लिए बोलते ना कि कोई सोचता नहीं है, पर मैं अपने लिए सोची, वो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड्स अपने लिए मैं मेरा आंखों से ना वो मतलब बोलते ना कि थोड़ी सी नजदीक वाली थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं इतना टाइम अगर फोन में लगी रहूंगी तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगा। तो मैं अपने लिए ये चश्मा बनवाई, आंखों का चेकअप तो पहले भी करवाई थी मगर फाइनल चेकअप करवा करके फिर मैं अपने लिए ये बनवाई। तो मैं बोली कि नहीं, जब मेरी सैलरी आई है तो मैं अपने पैसे से ही बनवाऊंगी। तो ये सब तो हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद तो बोलते हैं जो सबसे पहला जो पेमेंट आया, मैं सच बताती हूँ उसमें मैं सबसे पहले बच्चों को दी हूँ, उसके बाद मैं उससे प्रसाद के लिए मैं निकाली, मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ अपने अपने पैसे से ही मैं प्रसाद भगवान जी को चढ़ाई। और बोलते हैं ना कि कुछ भी आता है कहीं से भी कुछ पहला पेमेंट आता हो तो भगवान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाए, तो वैसे मैं भी चढ़ाई और प्रसाद चढ़ाई, हस्बैंड को पार्टी दी, बच्चों को पैसे दी और मैं अपने लिए ये की। और अभी मेरे पास पैसे है नहीं कि मैं आपको पैसे दिखाऊं कि ये मेरे पैसे, क्योंकि फ्रेंड्स अकाउंट में आए अकाउंट से चले गए, पर ये वीडियो थोड़ा डिले जा रहा है तो चलिए कोई बात नहीं। पर मैं सोच चलो अपने सारे व्यूवर्स को बता दूं, क्योंकि फैमिली फ्रेंड तो सपोर्ट करते ही है फ्रेंड्स, मगर अगर व्यूवर्स भी सपोर्ट ना करें तो कोई भी आगे नहीं जा सकता है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो उनका ही होता है। तो चलिए थैंक यू सबको, दिल से थैंक यू बोलते, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार बना करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी मेहनत थी, सब लोगों का सपोर्ट था, तब जाकर के मेरा जो ये भी ड्रीम था वो भी पूरा हो गया। और आई होप आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और अपना प्यार बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूंगी अच्छे से कोई ब्लॉग में, तो आप लोग तब तक वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स जाने से पहले मैं बता दूं कि ये मॉर्निंग में वीडियो शूट हो रहा है, अभी शूट की हूँ, अभी अपलोड करूंगी, तो मॉर्निंग का टाइम है, घरों से सबकी आवाज आ रही है, कभी पानी का कभी बर्तन का, तो उसे इग्नोर करते हुए मेरी यूट्यूब जर्नी और जो फर्स्ट सैलरी की खुशी थी वो शेयर की हूँ। पर जाने से पहले जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं कोई अच्छे से ब्लॉग में।